हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जैसे आप थंबनेल देख ही सकते हैं, बीएड सीटेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट इन डीएवी। बीएड तो चलिए कंपलसरी है ही है, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है या आपका स्टेट का टेट क्वालिफाई नहीं है तो अगर आप इन डीएवी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड मैंडेटरी है या नहीं, इसके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। और सीटेट अगर आपने देना है, स्पेशली कंप्यूटर टीचर्स, तो कौन से स्पेक में देंगे, इसका आंसर डीएवी में कंप्यूटर टीचर्स से आप कैसे परमानेंट हो सकते हैं और नेक्स्ट सीबीटी कब आएगा, इसके रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर हमें फॉलो करिएगा, सो डैट जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग डीएबी सीबीटीज प्रेपरेशन और नेक्स्ट सीबीटी, वो हम अपने सोशल मीडिया पेजेस पर इंक्लूडिंग यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। तो देखिए, बीएड और सीटेट तो कंपलसरी है डीएबी फॉर ऑल पोस्ट, लेकिन अगर हम कंप्यूटर टीचर की बात करें, आपको पता है कि बीएड कंपलसरी नहीं होती, लेकिन डीएबी में एक 2019 में सर्कुलर निकला था, उसमें एक स्पेशल सर्कुलर था वो जो इनके डायरी नंबर पे आता है। डायरी नंबर एक स्पेशल मेल होती है जो नॉर्मल मेल्स पे नहीं आता, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो चीज़ें उसमें दिया गया था कि अगर कोई भी कंप्यूटर टीचर डीएवी में जॉब करता है, अगर वो परमानेंट होना चाहता है या मैनेजमेंट उसको कन्फर्म करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो कंडीशन थी उनका बीएड होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन थी, अगर आपको उसका ऑफिशियल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद था कि जो भी कंप्यूटर टीचर है उनका सीटेट या स्टेट का टेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसके रिलेटेड मैंने बहुत से काफ़ी एजुकेटेड पर्सन से पूछा, लेकिन मुझे इसका कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं मिला कि वो किस सब्जेक्ट में जो आपका सीटेट है या एसटेट पास करेंगे। जैसे आई एम बिलोंगिंग टू पंजाब स्टेट, हमारा पंजाब का जो स्टेट है इसमें हमारा कंप्यूटर टीचर का स्टेट का टेट नहीं निकलता, निकलता है म्यूज़िक का, निकलता है आर्ट एंड क्राफ्ट का, निकलता है फिजिकल एजुकेशन का निकलता है। ये भी उन्होंने रिसेंटली जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में उसमें अपडेशन की थी, इंक्लूडिंग उर्दू। तो ये तो चलिए हो गया स्टेट का। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ऑर्डर्स जो पेपर वन है वो बीएड वालों के लिए नहीं है, वो डीएलएड और ईटीटी वालों के लिए है, और जो पेपर टू है वो ओनली बीएड वालों के लिए है। लेकिन जो बीएड में है उसका अगर कम्बिनेशन ही नहीं बनता, आपको पता है जो सीटेट होता है वो आपका होता है सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और एक और सब्जेक्ट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें होता है। तो लेकिन अगर कंप्यूटर टीचर देना चाहे सीटेट, वो किस सब्जेक्ट में दे, इसके रिगार्डिंग मुझे कहीं से भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। आई रिक्वेस्ट यू, काफ़ी टीचर्स मेरी वीडियो देखते हैं जो ऑलरेडी डीएवी में जॉब करते हैं या फ्रेशर्स हैं या कहीं ना कहीं आपके लिंक्स होते हैं, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके कमेंट करिएगा। जब मेरा नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा कि अगर कंप्यूटर टीचर सीटेट पास करना चाहे तो किस सब्जेक्ट में देगा, बिकॉज पेपर वन तो एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ऑर्डर्स। और उनका जो कम्बिनेशन रहता है बीएड का मेनली रहता है कंप्यूटर या इंग्लिश या कंप्यूटर या उनकी स्टेट लैंग्वेज जैसे पंजाबी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर किसमें करेगा वो। तो पहली तो ये इन्फॉर्मेशन, बीएड कंपलसरी होगी, सीटेट बताइएगा। और तीसरा, डीएवी में अगर आपने परमानेंट होना है तो पहले तो ये सारा कुछ जो है हाई अथॉरिटीज पर डिपेंड करता है, वो आपका सारा काम वगैरह देखते हैं कि कैसे जो पर्सन है काम करता है डीएवी में, कोई उसकी मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ऑल ओवर सारी वर्किंग उसकी ओके है, पॉजिटिव ही है सारा कुछ, और वर्क एक्सपीरियंस आपका देखा जाता है, आपके जो 10th एंड 12th के रिजल्ट देखे जाते हैं, QPIs मेनली QPI देखी जाती है सब्जेक्ट की आपकी कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ देख के ही आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये जो सीटेट पीटेट जो भी है आपका स्टेट का वो सारा कुछ देख कर आपको परमानेंट किया जाता है। कम से कम ये जो है आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस 3 years तो मिनिमम लेकर चलिए अकॉर्डिंग टू CBT का जो आया है। और नेक्स्ट CBT जो है आपका नेक्स्ट निकलेगा 2024 नवंबर में चांसेस है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जो भी इनका CBT इस बार हुआ था आउट, जो बच्चों ने काफ़ियों ने क्वालिफाई किया, क्वालिफाई ने नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग था कि जो आपका साल में 2 times निकलेगा CBT, उसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे देना चाहते हैं CBT वो एक साल में 2 times दे सकते हैं। और जिन्होंने तो क्वालिफाई करके DAV ज्वाइन करनी है उनकी वैलिडिटी रहेगी 3 years की,
पैक सर्टिफिकेट की, और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनकी वैलिडिटी रहेगी पैक सर्टिफिकेट की 1 ईयर। पैक की फुल फॉर्म है स्कोर कार्ड या प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग डीएवी। स्पेशली ये वीडियो थी बीएड टीचर्स के लिए, कंप्यूटर टीचर्स के लिए, बीएड और सीटेट के रिगार्डिंग जो मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें बताई है। तो ज़रूर बताइएगा तो किस में वो क्वालिफाई करें, आई रिक्वेस्ट यू ज़रूर मुझे बताइएगा या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सो डैट ये इन्फॉर्मेशन मैं बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्युएबल टाइम।